हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडी डेलिश। आज हम बनाएंगे मटर के पराठे। आज की रेसिपी के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली ये दूसरी बार है मेरे लाइफ में जब मैं मटर के पराठे बना रही हूँ। पिछली बार मैंने खुद दूसरे वीडियोस रेफ़र किए, उसमें से मुझे जो आसान लगा मैंने वो वाले मेथड से बनाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मटर के पराठे बनाने के लिए मैंने वैसे तो फ्रेश मटर ही लिए हैं, बट मैंने इसे छील के फ्रीज़र में रखा था, तो पहले इसे थॉ कर लेंगे। थॉ करने के लिए मटर को मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पानी में 15 से 20 मिनट तक ऐसे भिगो के रखा। फिर पानी को डिस्कार्ड कर देना है और मटर को हमें दरारा पीस लेना है। पीसते वक्त इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया था। तो पीसने के बाद मटर कुछ इस तरह से दिखते हैं। इसे साइड में रख देंगे। मटर के साथ साथ स्टफिंग में मैं ऐड करूंगी कुछ लहसुन, ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च और एक बड़ा प्याज। इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लें और उसमें एक टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे। तेल गर्म होने दें। उसके बाद हम इसमें एक टीस्पून जीरा यानी क्यूमिन सीड्स ऐड करेंगे। उसी के साथ साथ क्रश किया हुआ लहसुन, आप चाहे तो छोटा छोटा उसे चॉप भी कर सकते हैं, और बारीक कटे हुए हरी मिर्च, इन दोनों चीज़ों को ऐड कर देना है। और क्योंकि तेल गर्म है ये 10 सेकेंड के अंदर ही पक जाएंगे। आप देखेंगे कि लहसुन जो है वो ब्राउन होने लगेगा, तो उस टाइम पे हमें प्याज को ऐड कर देना है। अब गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखें और प्याज को बड़े आराम से पकने दें। तो मैंने टोटली 3 से 4 मिनट तक प्याज को पकाया था और ये देखिए ये इस तरह से ब्राउनिश कलर का हो गया। अब इसमें मटर को ऐड कर देंगे जिसे हमने दरारा पीस लिया था। अब हम लो फ्लेम पर रखते हुए मटर को 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। इससे क्या होता है, मटर का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। 3 से 4 मिनट बाद अब हम इसमें मसालों को ऐड करेंगे। तो मसालों में मैंने यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच कोकोनट शुगर। आप नॉर्मल शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसे स्किप ही कर दें, और 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इन सभी चीज़ों को ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसालों को ऐड करने के बाद अब हम बेसन को ऐड करेंगे। आप चाहे तो बेसन को हल्का सा रोस्ट करके ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून। एक्चुअली बेसन जो है ना, आप अपने मटर और प्याज के क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कीजिए। मैंने जितना मटर और प्याज लिया है उससे लगभग 5 पराठे बनेंगे, तो उसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून बेसन ऐड किया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे पका लें और फिर गैस को बंद कर दें। अब हमें इस स्टफिंग को ठंडा होने देना है। लगभग 1/2 घंटा हो गया है और स्टफिंग जो है ये ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसे निकाल के एक अलग से प्लेट में या फिर बॉक्स में ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। इस तरह से आप मटर पराठा का जो स्टफिंग है उसे बनाकर ओवरनाइट फ्रिज में भी रख सकते हैं, या फिर 2 से 3 दिन तक आप फ्रिज में इसे रख सकते हैं, ताकि जब भी आपका मन करे आप ये स्टफिंग यूज़ करके मटर के पराठे बना सकते हैं। वैसे पराठे ही नहीं, आप चाहें तो मटर के कचौरी या फिर मटर के पूरियां भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाएं। स्टफिंग बनके रेडी है। अब हम इसमें धनिया के पत्ते ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से एक और बार मिक्स कर देंगे।
पराठे, पूरी या फिर कचौरी बनाने के लिए मैं हमेशा गेहूं के आटे का ही इस्तेमाल करती हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है, इस आटे को बनाते वक्त मैंने इसमें एक चुटकी हल्दी, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा घी और एक टीस्पून अजवाइन, इन सभी चीज़ों को ऐड किया और हम नॉर्मल जैसे रोटी बनाते हैं बस उसी तरह से आटा लगा के रेडी रखा है। हम हमेशा ही गोल पराठे बनाते हैं, राइट? तो आज मैं आपको स्क्वायर पराठे बनाना बताऊंगी। तो करना कुछ नहीं है, बस जैसे हम नॉर्मल रोटियां बेलते हैं बस उसी तरह से बेलें। बस हमें एक चीज़ का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि रोटियां चाहे राउंड बने या कोई भी शेप की बने, हम इसे एंड में स्क्वायर बना कर ही रहेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से बेल लें, बीच में खूब सारा स्टफिंग रखें। मुझे तो पराठे हेवीली स्टफ्ड किए हुए बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं स्टफिंग को ठूस ठूस के भरती हूँ। और फिर स्क्वायर पराठा बनाने का ट्रिक यह है कि इसे पहले कोई भी एक साइड से इस तरह से बंद कर दें, ठीक है? हल्का हल्का सा प्रेस करें, बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं तो रोटी फट जाएगी। तो और ये जो तीसरा और चौथा पार्ट है, इसे इस तरह से एडजस्ट करना थोड़ा सा और देखना कि स्क्वायर शेप ही बने। स्क्वायर मेरे तो यहाँ पे रेक्टेंगल बन गई, कोई नहीं। ऊपर से ज़रा सा गेहूं के आटे से हम डस्टिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा आटा मत लगाना, फिर वो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आटा लगा दिया और अब हम इसे हल्के हाथों से ऐसे बेलते जाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये था तो रेक्टेंगल लेकिन अब बन रहा है धीरे धीरे स्क्वायर। स्क्वायर पराठा बनाते वक्त ना एक चीज़ का ध्यान दें, ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना वहाँ पर थोड़ा थिक बन जाता है कई बार, तो आप ध्यान से कॉर्नर्स को भी हल्के हाथों से बेल लें एडजस्ट करते हुए। और आपको जितना थिक रखना है या फिर जितना पतला करना है ये आपके पसंद अनुसार बना लें। और ये देखिए मेरा लगभग स्क्वायर पराठा बन के रेडी है। पराठा बनाते बनाते मैंने एक चीज़ सीख लिया है, पहले मैं बहुत ध्यान से बनाती थी ताकि जो स्टफिंग है वो बिल्कुल बाहर नहीं आए। फिर बाद में मुझे पता चला ये जो थोड़ा सा बाहर आता है ना, तब जाके पराठा और स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि ये डायरेक्ट तवे पे सिकता है, उसमें तेल घी सब उसका फ्लेवर इंड्यूस हो जाता है। फिर खाने में ये थोड़ा सा रोस्टेड लगता है। तो अगर आपका भी ऐसा हो रहा है पराठा, तो आप टेंशन ना लें, इट्स ओके। तो यहाँ पे तवा गरम है, तवे में मैंने डाल दिया है एक चम्मच घी और ये लगा दिया मैंने मेरा स्क्वायर पराठा तवे के ऊपर। ये वीडियो है ना ज़रूरत से ज़्यादा थोड़ा लंबा हो गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसे एडिटिंग नहीं की है, यानी जितना एक्चुअली में समय लगा है उतना ही मैंने आपको शांति से बताने की कोशिश की है। तो हम कई बार फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं, स्पीड अप कर देते हैं वीडियोस को, तो उसमें एक्चुअली कितने समय तक पकाया है, 30 सेकंड या 40 सेकंड या एक मिनट, उसका अंदाज़ा लगना थोड़ा मुश्किल है। तो आप देखिएगा, शांति से समझ लीजिएगा मटर के पराठे को कैसे बनाते हैं और फिर आप खुद ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके पराठे कैसे बने और आपने पराठा कैसे खाया। दही के साथ खाया या अचार के साथ या फिर केचप के साथ? मैं मेरी कहूँ तो मैंने तो पराठों को ऐसे ही खा लिया, क्योंकि इसमें मैंने इतना सारा घी जो लगाया था, फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत लगी ही नहीं। तो बस दोनों तरफ शांति से हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही पका लेंगे। आपने बाकी वीडियोस में देखा होगा कि पराठे एकदम फूलते हैं, तो मेरे भी कुछ कुछ फूलते हैं। अभी इसमें कैसा है कि बहुत ही ज़्यादा क्रैक्स आ गया है, तो ये फूलना मुश्किल है, लेकिन टेस्ट में कोई कमी नहीं होगी, टेस्ट में ज़बरदस्त था। जहाँ जहाँ पे गेहूं का आटा आपको ज़्यादा लग रहा है ना, वहाँ पे घी या फिर तेल ऐड कर दीजिए। इससे क्या होगा, वो जो आटा जो ऊपर से लगा है वो तवे में लग के जलेगा नहीं, ओके? तो बस दोनों बाजू मैंने लगभग 30 से 40 सेकंड पका लिया है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मटर के पराठे बनके तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपने भी आज तक मटर के पराठे खुद बना के नहीं खाए हो, तो ये रेसिपी को ना ज़रूर ट्राई कीजिए।
मैं गारंटी देती हूँ कि ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप ब्रेकफास्ट में बनाएं, लंच या फिर डिनर में। मैंने तो आज इसे ब्रंच में बनाया था, क्योंकि प्लान था ही नहीं कि मैं कुछ बनाऊंगी। लेकिन मटर के पराठे की जब याद आती है तो हम ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकते, इसे बना कर ही छोड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपसे जल्दी मिलूंगी अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। उम्मीद करती हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और याद से नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाएं, ताकि मेरे हर वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। थैंक यू।